चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भिलाई की टीम ने 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर एक अनोखी पहल की शुरुआत की, जिसमें रोजगार मेला लगाकर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किया। साथ ही वह कर्मकार जिनकी वजह से व्यापारी व्यापार में सफल होते हैं उनका सम्मान भी किया। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मकार योजना की शुरुआत की है, जिस पर अमल करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई की टीम ने 17 सितंबर को भिलाई में एक रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें लगभग 100 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और उनमें से लगभग 50 लोगों को रोजगार प्राप्त भी हो गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मंशा है कि ऐसे आयोजन और बृहद रूप में आगे कराए जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज दिन विशेष पर कर्मकार सम्मान का भी आयोजन किया गया। इसमें उन कर्मकारों को सम्मिलित किया गया जो एक लंबे समय से एक ही जगह पर टिककर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जिनकी वजह से प्रतिष्ठान का नाम आगे बढ़ रहा है। यह पहला अवसर था जब ऐसे कर्मकारों का सम्मान किया गया। इसके पहले ऐसी चीजें ना तो देखने को मिलती थी और ना ही सुनने को। आज विश्वकर्मा जयंती का दिवस है, इस उपलक्ष्य में चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो सदा से ये मानता आया है कि सबसे पहले अगर समाज का हित करना है तो व्यापारी को मजबूत होना पड़ेगा। अगर व्यापारी मजबूत होगा तो समाज में संदेश जाएगा कि किस तरीके से हमारा देश आगे जाना चाहिए। इसी चीज़ों को लेते हुए आज का ये कर्मकार सम्मान दिवस मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी कर्मकार काफ़ी सालों से अपने संस्थानों को अग्रणी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं उनका समाज के सभी प्रमुख लोगों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। और ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप एक ही जगह से लग के चलते हो और अपने संस्थान को मजबूत बनाने में मदद करते हो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके सम्मान में कभी पीछे नहीं हटेगा। दूसरा, हम ये संदेश देने जा रहे हैं कि समाज में कि अब आत्मनिर्भरता की ओर आप आगे बढ़िए, सिर्फ नौकरी पाने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। इस संदेश के साथ आप लोगों को जो भी आपका स्टार्टअप्स आता है उसके लिए जब ज़रूरत पड़ती है लोन की, तो हमने मुद्रा लोन योजना के तहत 50,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है लोन मेले के अंतर्गत, जिसे काफ़ी लोगों से आज समन्वय भी हुआ है, मेरे ख्याल से कुछ अप्रूवल्स भी हुए हैं और निकट भविष्य में सैंक्शंस भी हो जाएंगे। दूसरा, हम ये देखते हैं किसी भी संस्थान को चलाने के लिए सबसे पहले युवा ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ती है, नए नए स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने आज जॉब फेयर का आयोजन किया है जिसके माध्यम से हम लोग पूरे शहर के युवाओं को यहाँ आमंत्रित किया है। सुबह से 10 बजे से हमारा शिविर चल रहा है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सबका यहाँ पे एक आके उनका रिज्यूम जो है हमारे पास इकट्ठा हो जाए और उसके बाद आवश्यकता अनुसार जिस भी ट्रेड में उनकी ज़रूरत है हम वहाँ पे उनका जॉब प्लेसमेंट करा सकें। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आज की मुहिम है। बिल्कुल 100% ये फ़ायदा होगा जब भी अगर हम समाज के हर वर्ग तक जाके उनके कामों की प्रशंसा करेंगे और उसे समाज के पटल पे लाएंगे तो ज़रूर एक ऊर्जा का संचार होता है जिससे समाज का निर्माण होता है। ये बहुत ही उपयोगी योजना होने जा रही है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई के द्वारा किए गए इस आयोजन के जिम्मेदारों ने बताया कि इस आयोजन में युवाओं को रोजगार देना उनकी पहली प्राथमिकता है और रोजगार की दिशा में विभिन्न सेक्टरों से नियुक्त आए हुए थे और अपने पसंद के युवाओं को चिन्हित कर उन्हें अपने प्रतिष्ठान में नौकरी देंगे। आज ऑलमोस्ट हमने 100+ रजिस्ट्रेशंस किया है सक्सेसफुली विद ऑल प्रोफाइल्स, सारे फील्ड के प्रोफाइल्स आए हुए हैं और सक्सेसफुली हमने आज 50 प्लेसमेंट्स दिए हैं सर। मार्केटिंग, सेल्स, देन हॉस्पिटल फील्ड, नर्सिंग के स्टाफ्स हैं, ड्राइवर्स एज वेल एज वी हैव इन IT सेक्टर ऑल्सो, एंड मोर पावरफुली वी हैड वेरी गुड इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड एज वेल एज सिविल इंजीनियर्स। ये कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हो रहा है, ये भी एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज संस्था है, सो ऑब्वियसली 100% रोजगार में इसको कंसिडर करना चाहिए और एंड ऑफ द डे हमारे छत्तीसगढ़ का मिशन ये होना चाहिए सर कि हर एक बेरोजगार को रोजगारें मिले, चाहे वो जॉब फेयर से मिले, चाहे वो ओपन कैंपस प्लेसमेंट से मिले या हमारे एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज से मिले। हमारा एंड ऑफ द डे यही कंप्लीट मीडिया का प्रोफाइल रहता है कि हम बच्चों को एंड ऑफ द डे 100% प्लेसमेंट्स दे सर। देखिए, हमने चार अलग अलग इंडस्ट्री पकड़ी है, जैसे एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, एक एविएशन इंडस्ट्री है, एक IT इंडस्ट्री है और एक टोटल मार्केटिंग के लिए है। अब उद्देश्य यही है कि बच्चे जो भटकते हैं इधर उधर जॉब के लिए उनको सही तरीके से गाइडेंस मिले, सही तरीके से प्लेसमेंट मिले। अब चैम्बर एक अच्छा बड़ा ग्रुप है जहाँ पे काफ़ी अच्छे सक्षम लोग हैं, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, तो उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है जो हमने यहाँ पे बच्चों के सामने रखा है उसको भी। तो काफ़ी सारे फील्ड के बच्चे आए हैं और इंडस्ट्रीज़ यही सब कवर किया हमने, काफ़ी हद तक हुई है सर। अभी हमने स्क्रीनिंग किया है, अभी फाइनली तो 6 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, 6 से 8, लेकिन कुछ बच्चों को हमने स्क्रीन किया जिनको हम कल या परसों फिर से
जॉब के लिए भेजेंगे, क्योंकि क्या है कि हर बच्चे प्रिपेयर नहीं है। हम चाहते हैं कि वो प्रॉपरली एक ऑफिशियल आउटफिट में जाए, अच्छी कम्युनिकेशन के साथ जाए, ताकि रिजेक्शन का चांसेस ना हो। एम्प्लॉयर भी जो है उनको भी एक अच्छा एक्सपेक्टेशन है कि चलो हमको अच्छे बच्चे मिले हैं आगे भी अभी भी। इसलिए 2-3 दिन प्रोसीजर अभी चलेगा। आज हमने स्क्रीनिंग की है, जहाँ ठीक लगा वहाँ इंटरव्यू भी कराया है। स्क्रीनिंग के बाद जो बच्चे लगेगा हमको कि बिल्कुल भेजने लायक है, तो कल परसों से प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश मंत्री अजय भसीन एवं भिलाई चैम्बर की टीम ने इस अद्भुत आयोजन को पहली बार भिलाई में संपन्न किया, जो काफी सफल भी नजर आया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।